नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपनी श्रृंखला जो यूजीसी नेट डांस ड्रामा थिएटर इससे रिलेटेड है, और हम चर्चा कर रहे हैं कला परिभाषा विस्तार, और ये इसका पांचवा भाग है जिसमें कला के वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। वो पिछले वर्गीकरण में हमने पाणिनि और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र या रूप के आधार पर आदि जो प्रकार हैं उनका वर्णन किया, जिसमें कारुकला, चारुकला, उपयोगी कलाएं, सामान्य कलाएं, पाश्चात्य विद्वान उनका वर्णन किया, और इसमें कला के जो और भी जो रूप हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर है ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा, BPA और जो अन्य पाठ्यक्रमों के जो बच्चे हैं उनके लिए समान रूप से लाभकारी है। तो आप सभी सुने, उसका आनंद लें। तो लीजिए, प्रस्तुत करते हैं, शुरू करते हैं हम कला के अलग अलग वर्गीकरण। तो आज जो वर्गीकरण है, जैसे इसको एक और वर्गीकृत किया जा सकता है, पिछली जो कक्षा के आधार पर हमने समझा, मूर्तता के आधार पर, मतलब जो उसका मूर्त रूप है और अमूर्त रूप है इसके आधार पर। तो मूर्तता के आधार पर विद्वानों ने दो प्रकार बताए हैं, एक मूर्त रूप और एक इसका अमूर्त रूप। तो मूर्त रूप मतलब इसका जो रूप वो हो, स्पष्ट हो, जैसे स्वाभाविक है चित्रकला है और मूर्तिकला है, वो हमें दिखती है, उसका एक पर्टिकुलर रूप दिखता है, तो वो उसका मूर्त रूप कहलाएगा। अमूर्त रूप के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो जिसका कोई रूप ना हो। स्वाभाविक है संगीत का क्या रूप होता है, म्यूजिक की ध्वनियाँ को हमें देख सकते हैं क्या, नहीं, अदृश्य है, हम उनका सुनकर आनंद ले सकते हैं, उनके भाव को फील कर सकते हैं। उसी तरह से काव्य है, तो काव्य का भी आनंद हम पढ़कर मन स्थिति में या तो खुद पढ़ें या किसी दूसरे से सुने। तो ऐसा कला का रूप जिसका मूर्त रूप हो या जो अमूर्त रूप हो, तो जो चित्रकला है, मूर्तिकला है, स्थापत्य कला है, ऐसी जो कलाएँ होती हैं वो मूर्त रूप के अंतर्गत आएंगी, और ऐसी कलाएं जैसे संगीत है, साहित्य है, काव्य है, ये सब अमूर्त के रूप में आएंगे। इसके अलावा अन्य विद्वानों ने और वर्गीकृत किया है, जैसे मनोविज्ञान के आधार पर। तो मनोविज्ञान के आधार पर आप कर सकते हैं अलंकरणात्मक कला, जैसे अलंकार के आधार पर हो, जैसे श्रृंगार है, इसमें नृत्य है, नृत्य में जो श्रृंगार प्रयोग करते हैं, अलंकरण जो हम करते हैं वो अलंकरणात्मक कला कहलाएगी है। दूसरा है अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक जिसके हम अनुकरण के आधार पर जो बने, कॉपी के आधार पर बने, तो चित्रकला है, मूर्तिकला है, स्थापत्य कला, ये सब अनुकरण के आधार पर है। और तीसरा जो है वो इसमें जो नहीं लिखा है वो है आत्माभिव्यंजनात्मक, आत्मा भी व्यंजनात्मक, आत्मा की जो व्यंजनात्मक अभिव्यक्ति कर रही है वो तीसरे प्रकार की कला है, मनोवैज्ञानिक आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर, जो जैसे कविता है, नृत्य है या नाटक है, अर्थात जैसा दर्शन जो दर्शक है वो महसूस करे, वो भाव प्रधान है। मतलब एक तो वो कला है जिसको हम रूप देखकर श्रृंगार या जो अलंकरणात्मक है उससे आनंद की अनुभूति हो, दूसरा वो कला कोई चीज़ का अनुकरण कर रहे हैं उसके आधार पर हमें आनंद की अनुभूति हो, और तीसरा वो जिसको देखकर आत्मानुभूति हो, आत्मा की व्यंजन की अभिव्यक्ति हो, वो दर्शकों को आनंद का स्वरूप वर्णित करे, वो आत्माभिव्यंजनात्मक कला की श्रेणी में आएगी मनोविज्ञान के आधार पर। और इस कला रूपों के प्रकार अंतर में आएंगे कविता, नृत्य, नाट्य, रंगमंच इत्यादि। फिर इसके अलावा विकासवादी अवधारणा पर भी विद्वानों ने मत दिया है, तो प्रतीकवादी कला है, शास्त्रीय कलाएं हैं, अभिजात्यवादी कलाएं हैं, और फिर भावनात्मक कला, स्वच्छंदतावादी कला, ये भी इन्होंने विकास के आधार पर वर्णन किया है। ऐसे बहुत सारे वर्णन विद्वानों के अनुसार मिलते हैं। फिर अन्य विद्वानों के अनुसार अगर कला का रूप का हम वर्णन करें तो मूल रूप से हमें दो प्रकार की कलाओं का वर्णन मिल रहा है अन्य विद्वानों की कला के आधार पर। एक तो है ललित कला, जो जिनके पांच वर्गीकृत माने गए हैं, दूसरा है उपयोगी कलाएं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। ललित कला चित्रकला रूप प्रधान ब्रश रंग पर आधारित होती है, मूर्ति कला रूप प्रधान कला होती है और ये पत्थर मिट्टी इत्यादि जो बनते हैं उस पर आधारित होती है। काव्य कला ये अर्थ प्रधान होती है, शब्द अर्थ इस पर ये आधारित रहती है। फिर संगीत कला जो ध्वनि पर आधारित रहती है, ध्वनि प्रधान होती है, नाद ताल स्वर इस पर इसका आधार है। इसके बाद स्थापत्य कला जो रूप प्रधान होती है, रूप पर आधारित होती है, पत्थर ईंट आदि से इसका निर्माण होता है। उपयोगी कलाओं में मूल रूप से जो हमारे उपयोग के लिए बनाई गई चीज़ें होती हैं वो आएंगी, जिसमें बढ़ई, कुम्हार, सुनार द्वारा निर्मित जो चीज़ें हैं वो हमारी उपयोगी कला की श्रेणी में आती हैं। फिर कला के अगर प्रकारांतरों की हम चर्चा करें तो बहुत बड़ी, बहुत लंबी सूची है।
लेकिन कुछ महत्वपूर्ण की अगर चर्चा करें तो जैसे अधिकांश जो भारतीय विद्वान हैं वो 64 प्रकार की कलाएं मानते हैं और अधिकांश पेपर में पूछा भी जाता है, तो विशेष रूप से कामसूत्र का ध्यान आता है जिसमें कामसूत्र में महर्षि वात्स्यायन 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की है या आगे भी करेंगे, तो उन्होंने 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया। इसके अलावा प्रबंध कोश जो है उसमें 72 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। ललित विस्तार जो ग्रंथ है उसमें 86 प्रकार की कला का वर्णन किया गया है। फिर क्षेमेंद्र जो सबसे ज़्यादा जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं, कला विलास इन्होंने ग्रंथ लिखा और ये सबसे ज़्यादा कला का वर्णन 350 कला का वर्णन करते हैं जिसमें ये 64 जनोपयोगी, 32 धर्म अर्थ कांग मोक्ष संबंधी, 32 मात्सर्य शील प्रभावमान संबंधी हैं, स्वक्षारिता संबंधी है, 64 वैश्याएँ संबंधी हैं, 10 भेजस संबंधी हैं, 16 कायस्थ संबंधी, जो सारी कला उनका इन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा कला का वर्णन हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है प्राचीन ग्रंथों में, अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए हमें कला विस्तार जो ग्रंथ है उसमें कला का वर्णन मिलता है, इसमें 86 प्रकार की कलाओं का वर्णन है। प्रबंध कोश में कला का वर्णन मिलता है, मतलब यहाँ से ये भी वर्णन होता है, इस सर्कल से हम दो चीज़ें समझ सकते हैं कि एक तो कला का ऐतिहासिक प्रमाण क्या है, कला का वर्णन हमें कहाँ कहाँ चीज़ें मिल रही हैं, और दूसरा कितने प्रकार की कलाओं का भारतीय दर्शन में वर्णन है। प्रबंध कोश में 72 प्रकार की हैं, यजुर्वेद में कला संबंधी प्रमाण मिलते हैं, कला का वर्णन मिलता है और 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन देते हैं। कामसूत्र में महर्षि वात्स्यायन 64 प्रकार की कला, कादंबरी में 64, अग्निपुराण में 64, शुक्र नीति में 64 और कला विलास में क्षेमेंद्र द्वारा 350 प्रकार की कला का वर्णन मिलता है। अब महर्षि वात्स्यायन ने कुछ जो 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन दिया है उनको थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं आपके समक्ष, जिससे ये मालूम चले कि क्या क्या चीज़ों को उन्होंने कला की श्रेणी में माना है। जैसे सबसे पहले गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, आलेख, विशेषज्ञ, अल्पना, पुष्पशैया बनाना, अंगादि लेखन, पच्चीकारी, शयन रचना, उदक वाद्य, जल क्रीड़ा, रूप बनाना, माला गूंथना, मुकुट बनाना, वेश बदलना, कर्णाभूषण बनाना, इत्र बनाना, आभूषण धारण करना, इंद्रजाल, जादू, असुंदर को सुंदर बनाना, हाथ की सफाई, पाक कला, शरबत बनाना, सिलाई, कलावत करना, पहेली बुझाना, अंताक्षरी, बुझोबल, पुस्तक वाचन, काव्य समस्या करना, चर्म कार्य, नौकायान बनाना, रथ बनाना, तैरना, वस्त्र बनाना, खेत सींचना, सुलेखन, अच्छी राइटिंग, दंड कार्य, ताम्बुल रक्षण, नटकर्म, कला शिक्षण, कला मर्मज्ञता, कलर करना, स्वर्ण परीक्षण, रत्न परीक्षण, विदेशी कलाओं का ज्ञान, देशी ज्ञान, भविष्य कथन, कठपुतली नर्तन, कठपुतली का खेल दोहराना, आशु काव्य, भाव को उल्टा करना, धोखाधड़ी करना, अभिधान करना, वस्त्रगोपन करना, दूत विद्या, आकर्षण क्रीड़ा, बाल क्रीड़ा, शिष्टाचार, वशीधरण, व्याकयाम इत्यादि। तो ये देखिए इतने प्रकार की उन्होंने चीज़ों को, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बोलना चलना, सारी चीज़ों को उन्होंने कामसूत्र में बताया है। और उसी तरह से शुक्र नीति भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन करते हैं। तो बंधुओं, इस तरह से कलाओं का जो वर्णन है वो बहुत विस्तार है। अलग अलग विद्वानों ने, जैन उपयोगी इन्होंने 64 प्रकार की कलाएं बताई हैं, धर्म काम मोक्ष संबंधी जो हैं 32 प्रकार की कलाएं, जो अलग अलग विद्वानों, किसी ने 350 बताई हैं, किसी ने 72 बताई हैं, किसी ने 80 बताई हैं, किसी ने 64 बताई हैं। तो कलाओं के ये विविध प्रकार का वर्गीकरण है और इसका ये भाग था। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और लाभप्रद रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी ने सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद।